बांका के अमरपुर प्रखंड के सादपुर पंचायत अंतर्गत कठरा गांव में 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबर के बाद क्षेत्र में काफी दहशत है। आसपास के ग्रामीण क्वारंटाइन होने लगे हैं। इस संबंध में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि 6 युवक और 5 महिलाएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। सभी संक्रमितों को बांका आइसोलेशन वार्ड में पहुंचा दिया गया है। वहीं उक्त टोले को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। पूरे टोले वासियों की लगातार थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। टोले को भी सैनिटाइज किया जाएगा। बीडीओ विकास कुमार, सीओ सतीश कुमार, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा प्रबंधक परशुराम सिंह समेत अमरपुर थानाध्यक्ष की उपस्थिति में उक्त टोले को सील कर दिया गया। थानाध्यक्ष ने टोले वासियों को घर से बाहर नहीं निकलने एवं भीड़ का हिस्सा नहीं बनने की सख्त हिदायत दी है। सुल्तानगंज से देवघर के लिए निकले सावन महीने की पहली सोमवारी में गंगा जल लेकर चल रहे कांवरियों को वापस लौटना पड़ा। जी हां, झारखंड के दुम्मा बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बॉर्डर पर झारखंड पुलिस की तैनाती होने के कारण श्रद्धालु आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सोमवार को कई श्रद्धालु दुम्मा बॉर्डर पहुंचे और आगे नहीं बढ़ पाने के कारण वहीं पर से बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण कर दिया। वहीं कांवरियों ने कहा कि बाबा का दर्शन नहीं हो पाने से वे लोग काफी निराश हैं। हम आपको बता दें, कोरोना के संक्रमण के फैलने के भय से झारखंड सरकार ने वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम को पूरी तरह से सील कर दिया है। बांका जिला के अमरपुर शहर के सिहुड़ी मोड़ बस स्टैंड पर जिला पुलिस टीम के दारोगा लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में सोमवार के दिन बाइक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक की कागजात, लाइसेंस, हेलमेट आदि की जांच करते हुए बाइक चालकों से 10,000 जुर्माने की राशि वसूल की गई। बाइक चेकिंग अभियान से बाइक चालकों में खासी हड़कंप देखी गई। पुलिस टीम को देखकर बाइक चालकों में हड़कंप मच गया। कई बाइक चालक अपनी वाहन लेकर इधर उधर छिपते नजर आ रहे थे। बांका जिला के अमरपुर क्षेत्र के महमदपुर सलेमपुर मुख्य पथ जर्जर हो जाने पर ग्रामीणों का सब्र का बांध मंगलवार को टूट गया। ग्रामीणों ने बाबा दुबे भैरन समिति के नेतृत्व में गालिमपुर गांव स्थित बीच सड़क पर धान रोप कर स्थानीय विधायक समेत बिहार सरकार पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक जनार्दन मांझी एवं बिहार सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मौके पर ग्रामीण मिथिलेश वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सह पूर्व मुखिया मनोज पंजियारा, चंदन मौर्य, शुभम चौबे, आशुतोष कुमार, गौरव भारद्वाज, राजेश जनप्रिया, चितवन पंजियारा, विजय मंडल, नीतीश कुमार, मुकेश शर्मा, दामोदर साह आदि ने बताया कि विगत 2 वर्षों से मुख्य पथ गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिस कारण राहगीरों, आने जाने वाले वाहनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी का जमाव हो जाता है। पानी का जमाव होने के बाद कीड़े और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। मच्छरों के प्रकोप से हम ग्रामीण मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी घातक बीमारी का शिकार होकर अपने हालात पर आंसू बहाने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अमरपुर विधानसभा के स्थानीय विधायक जनार्दन मांझी को हम ग्रामीणों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। विधायक सिर्फ चुनाव के समय ही अपना चेहरा दिखाते हैं, चुनाव के बाद सत्ता सुख भोगने में व्यस्त हो जाते हैं। बताते चले, इन पथ से दर्जनों गांव के ग्रामीण गुजरते हैं। रोजाना हजारों की संख्या में छोटी व बड़ी वाहन गुजरती है, लेकिन पथ जर्जर हो जाने के कारण आए दिन कोई न कोई दुर्घटना घटती रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर अविलंब जर्जर हो चुकी मुख्य पथ को दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हुए हम ग्रामीण उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग का चाहे चैत हो, बैसाख हो, हरी जेठ की दोपहरिया में इस रोड में अमरपुर प्रखंड के ताड़ी पंचायत और सलमपुर पंचायत आदर्श पंचायत है, इस लेकर के लगभग अमरपुर बिशनपुर मार्ग है, यहाँ से 35,000 आबादी है और उसका एक यही मुख्य मार्ग है। जहाँ मुख्यमंत्री कहते हैं नारी सशक्तिकरण, जब बारिश होती है या बारिश नहीं भी हो, रोड की बदहाली आप देख रहे हैं। यहाँ जब महिला लोग आती है पैदल तो घुटना तक अपने साड़ी को उठा के ले जाती है, कहाँ गया? शर्म करना चाहिए ऐसे बेईमान नेताओं को, ऐसे बेईमान प्रशासन को। मांग हम लोग का यही है, तत्काल तुरंत इस रोड को मतलब इसका सुदृढ़ीकरण के लिए, और अगर मेंटेनेंस वर्क इसका बाकी है वो इमीडिएट किया जाए, नहीं तो हम लोग आने वाले 3 दिन में अमरपुर को ब्लॉक करेंगे, घेरेंगे और डीएम साहब के पास जाके ज्ञापन देंगे। आप हमारे ग्रामीण से पूछिए क्या क्या परेशानी है।
बिल्कुल पानी पड़ी के एकदम तिताक बराबर करी दी और बीमारी अभी भी बच्चा देखो वहाँ बीमार पड़वा पड़ने से इतना गंदगी वाला पानी है कि हर महीना कम से कम गांव के 40 से 50 बच्चे है ना मलेरिया से साधारण खांसी बुखार से पीड़ित रहते हैं। इस वजह से इस गांव का कोरोना के नाम पर कम से कम 50 परिवारों को उठा करके लेके जाया गया। सबसे ज्यादा यही रोड से गया। यहाँ कितना ये स्थिति वर्तमान 2 साल से इस तरह की स्थिति है। हम लोग अब नहीं झेल पाएंगे, अन्यथा हम लोग रोड पे ही चूल्हा जलाएंगे, यहीं पे सोएंगे। जब ये रोड नहीं है, जब ये खेत के रूप में है, तालाब के रूप में है, तो हम इसमें मछली गिराएंगे, इसका नीलामी करवाएंगे। ये हम नहीं, मेरे पूरे ग्रामीण 35,000 जनता की आवाज है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम चंदन मोरी हुआ। घर? घर गालिमपुर। भाजयुमो के कार्यकर्ता ने जिला कार्यालय बांका में कार्य समिति की एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत यादव ने किया। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा के जिलाध्यक्ष विकास सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय दास, प्रदेश कार्य समिति विकास यादव उपस्थित हुए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला एवं मंडल के जिला कार्य समिति, जिला पदाधिकारी एवं मंडल पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास सिंह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। पूर्व जिलाध्यक्ष अजय दास ने युवा मोर्चा के द्वारा आगामी रक्तदान शिविर कार्यक्रम पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर जिला महामंत्री सन्नी शाह, जिला मंत्री रितेश वर्मा, जिला प्रवक्ता टोपी आनंद, जिला सोशल मीडिया सह संयोजक चंद्रकांत कुमार, जिला प्रवक्ता राजीव रंजन, कमल कलम, जिला उपाध्यक्ष निरंजन कुमार मंडल, अध्यक्ष विकास आनंद, आशीष भगत, राहुल शिवनंदन कुमार एवं जिला एवं मंडल के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। भारी बारिश के बीच 7 क्रिकेटर बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना बांका के बांका थाना क्षेत्र के सोलीवनन गांव के पास की है। सभी खिलाड़ी अमरपुर थाना क्षेत्र के इंद्रसेन गांव निवासी हैं। इसमें 5 की हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। सुमुखिया गांव के समीप डाढ़ाबाड़ी गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें इंद्रसेन की टीम ने भी हिस्सा लिया था। सोमवार को इनका मैच था। ये सभी वाहन पर सवार होकर डाढ़ावाड़ी के लिए निकले। रास्ते में भारी बारिश होने लगी, जिससे चालक को परेशानी होने लगी। इसी बीच सोलीवरन गांव के पास सड़क किनारे गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी जख्मी को सदर अस्पताल बांका लाया गया। जख्मी रोशन कुमार, अखिलेश कुमार, लखनलाल, प्रीतम कुमार, मिथुन कुमार, मिथुन चौधरी, देवानंद बताए जा रहे हैं।